नमस्कार, मैं गौरी, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे छिंदवाड़ा की। यहाँ भाजीपानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही के चलते गई जच्चा बच्चा की जान। बात होगी आगे फरुखाबाद की। यहाँ न्यायालय कर्मचारियों ने प्रतिज्ञा सभा करके अपनी मांगों को लेकर किया आंदोलन। साथ ही आगे चर्चा होगी संभल की, जहाँ लोकसभा निर्वाचन की 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। लोकसभा चुनाव अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 400 सीट पार करे, इसी संकल्प को लेकर बालाजी पार्क में अपनी साधना तपस्या को लेकर बैठे विनोद कुमार उर्फ लाला सेन हिंदुस्तानी बकानी निवासी से इसने मुलाकात की। झालावाड़ जिले के विश्व हिंदू परिषद जिलाध्यक्ष रामलाल गुर्जर ने मौन तपस्या कर लाल हिंदुस्तानी का माल्यार्पण कर स्वागत किया। भीषण गर्मी तेज तपन में तपस्या कर रहे तपस्वी को अपने हाथों से पानी पिलाया तथा साधना संपूर्ण हो, देश प्रगति की ओर अग्रसर रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना साकार हो, परमपिता परमेश्वर से कामना की। जिला महामंत्री के साथ प्रखंड मंत्री आशीष गौड़, विनोद पारेता, जिला सुरक्षा मंत्री ललित कुमार, खंड मंत्री लखन गुर्जर आदि लोग उपस्थित रहे। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम चरईकला के निवासी जितेंद्र यदुवंशी की पत्नी ज्योति को प्रेगनेंसी के अंतिम क्षणों में स्वास्थ्य केंद्र भाजीपानी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से लाया गया, जिसके उपचार के दौरान बढ़ती गई लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा दोनों की मृत्यु हो गई। ऐसा आरोप मृतक के परिवार जन लगा रहे हैं। इस संबंध में जब डॉक्टर सुधा बख्शी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस संबंध में हम जैसे ही जानकारी मिली तो तत्काल मौका स्थल पर पहुँच गई और इस संबंध में संबंधित विभाग को जानकारी दी। परिजनों ने बताया कि हमारे लाख मिन्नतें करने के बावजूद नर्स ने अपने किसी उच्च डॉक्टर को इसकी समय रहते हुए इसकी सूचना नहीं दी और ना ही रेफर किया, जबकि हमने एम्बुलेंस तक के लिए संपर्क साध लिया था। पुलिस प्रशासन ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की विवेचना कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिवारजनों व ग्राम के लोगों द्वारा उक्त मामले में घटनास्थल पर काफ़ी शोर शराबा किया, मगर प्रशासन की समझाइश और उक्त महिला नर्स पर कार्यवाही करने का आश्वासन देकर मामले को शांत किया। सूचना मिलने पर मृतक महिला के परिजनों ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जाने की तैयारी में। चरईकला ग्राम पंचायत चरईकला तहसील परासी जिला छिंदवाड़ा का निवासी में चरई में रहने वाला, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में भाजीपानी में ज्योति को लेके आए, उसको एडमिट किए। यहाँ मैडम ने लापरवाही बरतते हुए कहा कि मैं उनको रेफर कर दो छिंदवाड़ा के लिए। मैडम ने दरवाजे लगाया, दी घुसने नहीं दी। मैडम के ही कारण लापरवाही हुई, बहू ख़त्म हुई और बच्चा भी ख़त्म हुआ। कितने बजे की बात थी रात? ये 2:13 में बच्चा हुआ था, जब ही ख़त्म हो गया थोड़ी देर 4:30 बजे। मैं डॉक्टर सुधा बख्शी, प्राथमिक स्वास्थ्य भाजीपानी में कार्यरत हूँ। मुझे आज दिनांक 21/5/2024 को समय लगभग 5:30 बजे के आसपास हमको सूचना मिली कि स्टाफ नर्स कौशल्या मंसूरी द्वारा ये सूचना दी गई कि मैडम मेरे द्वारा एक डिलीवरी कराई जा रही थी, उसमें डिलीवरी के प्रसव के बाद बच्चे और माँ दोनों की मृत्यु हो गई है। सूचना प्राप्त होते मैं तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाकर तुरंत यहाँ तत्काल पहुँची और माँ और बच्चे दोनों की जांच किया मैंने तो मृत्यु पाए गए हैं। मैंने इसके लिए आगे की कार्रवाई हेतु समय में खबर दे दिया है और साथ में इसका पोस्टमार्टम कराना अति आवश्यक है, इसकी मैंने सूचना पुलिस में दे दी। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं लापरवाही हुई या फिर डिलीवरी में? अब लापरवाही की जांच के बाद पता चल सकता है कि लापरवाही से उनके कहाँ पर कौन सी त्रुटि के कारण में समस्या हुई है, ये प्रक्रिया जांच की प्रक्रिया से किया जा सकेगा। कल ड्यूटी में कौन था मैडम यहाँ पर? ड्यूटी में कौन था कल यहाँ? ड्यूटी में डॉक्टर ये जब तो मंसूरी स्टाफ नर्स मंसूरी सिस्टर थी, सिस्टर और अपनी आशा और जो रजनी जिले के आती है आशा और साथ में आदाई थी। और डिलीवरी जब भर्ती हुई उसके डिलीवरी के मतलब जब हो जाने के बाद मुझे सूचना दिया गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। और हम ज्योति यदुवंशी को लेके आए थे जो मेरी मामा की लड़की है, तो हम कल इसको 4 बजे लेके आए और एडमिट करे। उस समय यहाँ पर मंसूरी मैडम थी और जो हॉस्पिटल की इंचार्ज है, मेन जो
सुधा बख्शी जी है वो यहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो इनने हमको रात को 10 का टाइम दिए, तो हम लोग ने ठीक है 10 बजे तक देखते हैं, 10 के बाद बोले एक दो घंटा आगे पीछे हो जाता, बोले ऐसा मैडम ने बोली, तो ठीक है एक दो घंटे और देखते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए घर, बाकी सब लोग थे, मैं और एक मेरे जीजा जी चले गए। उसके बाद यहाँ पे देखे तो एक नर्स और एक स्टाफ था बस, बाकी कोई नहीं है, इन्हें कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाया। उसके बाद डिलीवरी के चांस हुए तो जिससे बच्चा 2:17 या 18 पे ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने बोले कि आपसे नहीं मैनेज हो पा रहा है तो हमको रिफ़र कर दीजिए छिंदवाड़ा जिला अस्पताल, तो बोले ब्लड ब्लीडिंग हो रही है, उसके टाके लगाने के बाद आपको हम रिफ़र कर दे रहे हैं, आप गाड़ी बुला लो। हमने 2-3 गाड़ी बुला लिए, 2 हमारी गाड़ी खड़ी रही। उसके बाद बोलती बिना ऑक्सीजन के आप नहीं ले जा सकते, बोले कंडीशन ख़राब है। उसके बाद हमने एम्बुलेंस को भी कॉल किया, पर एम्बुलेंस कब आई, जब मृत हो गई, जब सुबह 6:30 करीबन। इसमें मैं चाहता हूँ कि स्टाफ के पूरी लापरवाही है, इसको जो भी सुनवाई है आप अपने हिसाब से करें, सरकार से ये अनुरोध है मेरा कि इस पर स्टाफ को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे मतलब बहुत सी असुविधा है, ब्लड नहीं मिलने के कारण आज जो मृत्यु हुई है हमारी सिस्टर की। परासिया से सीनियर संवाददाता ललित तिवारी की रिपोर्ट। भगवती मानव कल्याण संगठन शाखा बटियागढ़ जिला दमोह के कार्यकर्ताओं द्वारा बटियागढ़ थाने के अंतर्गत ग्राम आजनी तिगड़ा पर एक सफ़ेद कलर की बुलेरो गाड़ी से 4 अवैध शराब पुलिस को सूचना देकर पकड़वाई, जिसमें से 100 लाल मसाला 100 सफ़ेद गाड़ी से अवैध शराब परिवहन कर रहे थे। आरोपियों के नाम अज्जू राय निवासी देवपुर, सत्यम निवासी बटियागढ़, ओमकार निवासी पिपरौधा। बता दें कि बटियागढ़ बस स्टैंड कलारी से आंजनी गांव जा रही अवैध शराब संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिले में हर जगह पानी तो नहीं पहुंच रहा, मगर शराब दिन हो या गांव-गांव पहुंच रही है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी करके पकड़वाई स्थान आंजनी तिगड़ा पर समय रात्रि 11 और 28 आरोपी एवं बुलेरो गाड़ी सहित बटियागढ़ पुलिस के सुपुर्द किए। हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा श्री शक्तिपुत्र महाराज के शिष्य हैं और उनके नेतृत्व में हम शराब अभियान में गति दे रहे हैं और शराब पकड़ते हैं। आज आंजनी में 4 शराब पकड़ी गई, एक बलेरो है, और पुलिस को सूचना दे करके हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन आए दिन शराब पकड़ रहा है, मगर राजनेता आज तक उनको शर्म नहीं लग रही है कि हम उनकी बहन मांग सिंदूर उजड़ रहे हैं, लोग रोज प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, उनको कोई कभी परेशानी, मगर पानी की परेशानी भली हो मगर शराब की परेशानी नहीं होती है। कितनी शराब है? 200। अच्छा, कितनी पेटी है? 4। कितने आरोपी थे? 3। किस थाने में आप लोग लेकर के शराब आए? बटियागढ़ थाने में। अच्छा, किस वाहन से जा रही थी? बिलेरो से। अच्छा, रात्रि के 12 बज चुके हैं, आप लोगों को डर नहीं लगता है दिन टाइम? नहीं, श्री शक्तिपुत्र महाराज का आशीर्वाद है, कभी डर नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? श्री राजेंद्र सिंह। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। जनपद न्यायालय कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए प्रदेश संघ के आह्वान पर प्रतिज्ञा सभा करके आंदोलन किया। प्रतिज्ञा पत्र पर समस्त कर्मचारियों ने पूरे हस्ताक्षर किए एवं इसकी प्रतिलिपि प्रांतीय संघ को भेजी। कर्मचारियों की मांग है कि न्यायिक कर्मियों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण लंबे समय से लंबित हैं। न्यायिक कर्मियों को 2013 में वर्दी पहनने का शासनादेश न्याय अनुभाग से जारी हुआ, लेकिन आज तक धनराशि का निर्धारण नहीं हो सका। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ फरुखाबाद के जिलाध्यक्ष ऋषि यादव एवं महासचिव दिनेश गुप्ता ने बताया कि आज जनपद न्यायालय फरुखाबाद के कर्मचारियों ने व्यथित होकर प्रतिज्ञा सभा का आयोजन किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारी समस्याओं का तीव्र निस्तारण हो एवं हमारी मांगे फिर भी नहीं मानी जाती हैं तो जुलाई 2024 के प्रथम रविवार को कर्मचारीगढ़ उच्च न्यायालय के ही समक्ष प्रार्थना सभा का आयोजन करेंगे। आंदोलन चरणबद्ध रूप से तेज होता जाएगा। फरुखाबाद से सीनियर संवाददाता जाहिद हुसैन की रिपोर्ट। आज कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की 4 जून को होने वाली मतगणना के संबंध में मतगणना कार्मिकों का प्रशिक्षण दिया गया।
जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक वेदराम एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर तथा भूमि संरक्षण अधिकारी ओंकार सिंह एवं आईटीआई चंदौसी के प्रधानाचार्य एस के वाशने द्वारा मतगणना सुपरवाइजर एवं माइक्रो ऑब्जर्वर तथा मतगणना सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी भरत कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रदीप वर्मा, अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुशील कुमार चौबे, परियोजना निदेशक डीआरडीए ज्ञान सिंह, जिला सूचना अधिकारी ब्रजेश कुमार, एआईजी स्टाम्प मुकेश कुमार एवं समस्त मतगणना कार्मिक सहित संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। 4 जून को लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की मतगणना प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होनी है। इसमें बिहजोई स्थित वेयरहाउस में 4 विधानसभाओं का स्ट्रॉन्ग रूम है और वहीं पर उन 4 विधानसभाओं की मतगणना भी होनी है, जिसमें 3 विधानसभाएं संभल लोकसभा की और 1 विधानसभा बदायूं लोकसभा की है। अगर मैं संभल लोकसभा की बात करूं तो उसकी तो 2 विधानसभाएं कुंदरती और बिलारी हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो जिला निर्वाचन अधिकारी मुरादाबाद के पर्यवेक्षण में मुरादाबाद में स्थित काउंटिंग हॉल्स में होगी। हमने हमारे लोकसभा संभल के समस्त प्रत्याशियों के साथ बैठकर जितनी भी तैयारियां हैं उनके संबंध में एक बैठक कर ली है और उनको विभिन्न दिशा निर्देशों से अवगत करवाया है। मतगणना के दिन प्रातः 6:30 बजे स्ट्रॉन्ग रूम खुला जाएगा और उसके बाद 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी, जिसमें ईवीएम की मतगणना और पोस्टल बैलेट की भी मतगणना भैजोई स्थित वेयरहाउस में ही होगी। जो हमारे परिसर है उसके 2 गेट हैं और उन दोनों गेट्स के 100-100 मीटर की दूरी पर कम्प्लीटली जो पेडेस्ट्रियन जोन बनाया जाएगा, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का वाहन अलाउड नहीं होगा। इसके लिए पुलिस ने समस्त अपनी ड्यूटीज़ और बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी की है और पूरे जो मतगणना हॉल्स हैं उन पर टेबल वार एजेंट्स प्रत्याशी जो हैं वो अपने काउंटिंग एजेंट्स तैनात कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी उनको दे दी गई है। उन एजेंट्स को किसी भी प्रकार से वहाँ पर एक बार अपना स्थान ग्रहण करने के बाद अपना स्थान छोड़ने की अनुमति काउंटिंग की समाप्ति तक नहीं होगी, ये भी उनको अवगत करवा दिया गया है। जो पूरा मतगणना परिसर है वो कम्प्लीटली उसमें मोबाइल फ़ोन या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो पूर्ण रूप से वर्जित होगा और पूरी मतगणना एक सुरक्षित एनवायरनमेंट में CAPF की उपस्थिति में और कम्प्लीट CCTV की निगरानी में 360 डिग्री व्यू में हम लोग करवाएंगे, जिसकी सारी तैयारियाँ हम 31 मई तक पूरी कर लेंगे। उसके बाद जो पर्यवेक्षक महोदय हैं वो भी उनका आगमन होगा और उनके द्वारा भी तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा। पूरा शांतिपूर्वक तरीके से निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काउंटिंग को करवाया जाएगा और सभी तैयारियां इसके लिए हम लोगों ने कर ली। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।